अरे एक और दूसरा, हे भगवान फंस गया रे। कौन है, कौन ये नया विलन? वो जो भी हो, अगर वो आया तो अंजलि से शादी भी कर लेगा और मुझे घर से बाहर भी निकाल देगा। एक काम करते हैं। क्या? उसे डरा धमका कर उल्टे पांव वापस भेज देते हैं। वो कैसे? वही है, वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत पब्लिक है, थोड़ी सुमसान जगह आने दे। ऐसा डराऊंगा ना कि वापस मुंबई में पाँव नहीं रखेगा वो। चल। ये क्या कर क्या रहा है? ये हो गया क्या? ये साफ कर रहा है खंबा या जूता वो पता नहीं। अरे वो चिपक गया, देखो चिपक गया। अरे शॉक लगा होगा यार। अरे जाके खींचना उसको। पागल है क्या, तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ, लकड़ी एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। हाँ, चल, 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 चल। ए, तू हाथ पे मार, मैं पांव पे मारता हूँ। हाँ, हाँ, चल। इसीलिए उन्होंने हमको मारने की कोशिश की। हाँ मगर अपन को तू भला आदमी लगा, इसीलिए अपन तेको अस्पताल ले आया। वो अंजलि तुम जितना सोचता है उतनी भोली नहीं है। उसका और दूसरी पार्टी का जबरदस्त इलू इलू चल रहा है। कौन दूसरी पार्टी? अरे वही जिसने तेरे पैर की हड्डी। अरे सॉरी सॉरी, बहुत डेंजर आदमी है। नाम सुना है छोटा चेतन? पिक्चर देखे है चश्मा लगा के। अरे वो नहीं रे, भाई लोग का दादा है। पुलिस भी कांपती है उससे। 40 खून कर चुका है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया। हर खून के लिए एक नया छुरा हुआ पड़ता है। कल ही मैंने उसे नए छुरे के साथ देखा, शायद वो तेरे लिए। फिर अंजलि की माँ ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तेरे को शहर बुला के मार डालने का प्लान है वो दूसरी पार्टी का। अगर तेरे मरने के बाद अंजलि उस छोटा चेतन से शादी कर लेती है तो उसके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता है। मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो पक्का मानना पड़ेगा। राजा है क्या इधर? अरे लगता है छोटा चेतन आ गया। सो जा, बिना बता। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? नहीं इधर कोई नहीं, इधर लाश कर देगा अपन उसको। हाँ अपन सुना, इधर कहीं छुपा हुआ है साला। अपने आदमी को भेजा था, सिर्फ हाथ पैर तोड़ के आया साले का। अरे आज अपना 50वां मर्डर है, 50वां। उसके बाद बोले तो बहुत बड़ी पार्टी है मर्डर के बाद। आएगा तो खल्लास कर दूंगा, फोड़ के रख दूंगा साले को। बोलना आप ना आया था इधर। हाँ छोटा चेतन साहब। देखा देखा? कहाँ देखा? मुंह पर तो तुमने चादर डाल दी थी और तुमने झूठ का बोला। क्या झूठ बोला? तुमने बोला उसने 40 खून किए, वो तो बोला 50 खून किए। अरे तेरे को क्या करने का है, 40 किए या 50? खून उसने किए, मैंने नहीं। चल चल भाग यहाँ से, अभी जल्दी भाग। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हमें अभी भी ट्रेन पकड़ के अपने गांव जाना है। जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेन की हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं। तो अब क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना, छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गांव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गांव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा। मैनेजर मैनेजर, कोई कमरा है? हाँ, कुछ भी हो लेकिन एक बार अंदर जाओ तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और दूसरी बात, उसमें नंबर एक और नंबर दो की सुविधा होनी चाहिए। ना 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 राजा, तुलसीदास खान। क्या तुलसीदास खान, ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद दंगे फसाद करने पैदा हुआ क्या? ये चुप साले, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। बाप का नाम? बाप मर गया मेरा। दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। सुनिए,
हमें जल्दी से एक कमरे की चाबी दे दीजिए, एक नंबर लगी है बड़ी जोर से, और कोई भी पूछे हमारे बारे में तो बिल्कुल मत बताना कि हम यहाँ रहते हैं। दो कप के पैसे दे जा ना। अरे दो कप थोड़ा उसके पैसे दे। नहीं देंगे, क्या करने का? नहीं 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 देंगे हम। लाइए छाता। अरे मेरे छाता। हम लाते हैं? कोई जरूरत नहीं है बाबू, बिस्लेरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? ऊंट साला। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, सब वो छोटा चेतन के आदमी लगते हैं, हमको मारने की फिराक में है। अंजलि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? साले तूने क्या सोचा, शादी का वादा करके तेजा की इज्जत के साथ खेलेगा? अरे तूने बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया होगा, लेकिन तेजा को धोखा नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। अरे दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ने का खर्चा करता हूँ मैं। साले मैं तेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़कर उसकी माला बनाकर तेरे घमंडी बाप की गर्दन में पहनाऊंगा। अरे दरवाजा खोल। सुअर की औलाद तू क्या सोच रहा है, तू यहाँ छुप कर बैठेगा और मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे मेरी वो नजर है कि उड़ती हुई मक्खी को देखकर बता सकता हूँ कि वो मर्द है कि जनाना। दरवाजा खोल। छोटा चेतन के गुंडे, हमें वो शादी नहीं करनी, हमें छोड़ दो। अबे ओ, हम तेरी बारात नहीं मैयत निकालने आए हैं। नहीं नहीं, हमें शादी नहीं करनी, हम उससे बहुत दूर चले जाएंगे। अबे चुप, लड़की तो तेरे को सपने में भी नहीं मिलेगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकल साले। ये दरवाजा तोड़ दो। जैसे होली में गधे को मारते हैं ना, वैसे मार मार के साले का कीमा बना के मेरी चूती बना कराओ। मारो साले को। साला ड्रामा कर रहा था, बेटी के साथ खेल रहा था। वोट साले। ये कौन है? अबे ओ, तूने तो कहा था कि वहां कमीना अंदर बैठा है। मुझे उस कमीने ने बताया था। छोड़ो जोकर को और ढूंढो वो कुत्ते का पिल्ला कहाँ है, चलो यहाँ से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? देखो काम तो मैं कर देगा, लेकिन वो खोली का कागजात और 50,000 रुपए का स्टैम्प पेपर है ना, कोई बात नहीं, वो मेरे हाथ में चोरी छिपेला के देने का, वो मैं कर दूंगी। अभी तक देखा नहीं ना मैं। हा? पार्टी को उसको एक बार मिल सकते हैं क्या? मैं वेलकम लॉज में मिलेगा। वेलकम लॉज में जाके नंदू बोलेगा तो बताएगा मेरे को? नहीं नहीं, वो नाम बदल कर रहने वाला है, यानी उसे पागलपन का नाटक करने को कहा है, तुम उसी से उसे पहचान लेना। वेलकम लॉज, ठीक है वेलकम लॉज में जाएगा मैं तुम्हारे पंटर को मिलेगा, वहाँ जाके बोलेगा ये इस पार्टी ने भेज ले करके। उसको ताबड़तोब वहाँ से निकाल के दूसरे दिन सीधे ट्रेन के पास खड़ा करेगा। वहाँ मैं तैयार खड़ी रहूंगी, फिर मैं और मेरा नंदू कहीं दूर भाग जाएंगे। मेरे को बताओ इधर ऐसा कोई आदमी रहता है क्या जिसका स्क्रू ढीला है, और कोई पागल रहता है क्या इधर? सेठ को पूछ लो आप। ये लेना ना देना फोकट का बैठने घुमाना ये बोल के रखता है, मेरे को पक्का मालूम है पागल खाने से पागल भाग के आके इधर ही छुपे ले। अरे पागल खाने से भाग, अरे ऐसा बोलो ना सर, 110% वो पागल इधर ही छुपे लाए। कौन है? आइटम असली है। तुम पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले भैया, पुलिस वाले भैया, मुझे किसी भी तरह से हाथ निकाल लो, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। लोग आ रहे तुम्हें लेने के वास्ते। हम खुद ही चले जाऊंगा। ऐसे कैसे जा सकते? जाऊंगा तो क्या कर लोगे? तू नहीं जा सकता, सबको मालूम है तेरा स्क्रू ढीला है, तू पागल है। पुलिस वाले भैया, इन सबकी मिली भगत है, मैं बताता हूँ आपको। हाथ आटा के बात करने का? मैं बताता हूँ, ये सब मुझे पागल साबित करके मुझे यहाँ से ले जाके मुझे मार डालने की साजिश है उस छोटा चेतन की। देखा,
मैं बोला था ना पागल है, कुछ भी बोलता है मालूम है। ये कंगारू तुझे मार डालूंगा मैं। चले चल बाहर जाने का, मेरे को इसके साथ राड़ा करता है। ये भी उससे मिला हुआ है। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? इधर आ। क्या है? जरूरी बात करने के तुम? नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अरे घबराने का नहीं रे बाबा, मैं इंस्पेक्टर वाघ मारे दूसरी पार्टी ने भेज रहे दूसरी पार्टी वो बरोबर 10 बजे तुमको लेने को आएगी। बाबा हम दोनों ने मिलके तो प्लान बनाया ना तुमको पहुंचाने। ए, तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? हे भगवान, अब मुझे पता चला कि छोटा चेतन से पुलिस क्यों डरती है। अरे बाबा, मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। बचपन से। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लोगों को समझने दे कि तू पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। चल चल सुने, कल सुबह इसका बहन और मैं लेने को आएगा, इसको संभालने का सारा खर्चा तुम करने का। लेकिन बिस्लरी को चाय पानी का खर्चा मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। मगर ये भागा ना तो मिलेगा कान के नीचे। ए लोग आ रहे उसको लेने के वास्ते, रात को कोई प्रॉब्लम नहीं किया ना? नहीं, उसने थोड़ा लफड़ा किया था, मैंने उसके टकले पे ऐसा हथौड़ा मारा ना कि मर गया। नहीं नहीं, प्लास्टिक का कप इतनी आसानी से थोड़ी फूटता है। और एक दो हथौड़ा मार के उसको लेके जाने का गाड़ी में डाल के। कब पूरा बैंड बजाता हूँ, बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया है मैंने, आज हाथ करता हूँ। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का बात। और ये बोला, इसके मुंह में जवान है या गुंगा नहीं है? निकलो बाहर सालो, ये बगीचा नहीं है, मेरा अड्डा, मेरा मौत का अड्डा। बोल मेरी बेटी कहाँ है? अरे बहुत तंग आ गए यार, घर से लेकर यहाँ तक 25 किलोमीटर में 50 बार पूछ चुके हो बेटी कहाँ है? समझे कौन सी भाषा समझते हो? मेरी बेटी कहाँ है? ये लो फिर से पूछ रहा है, बता नहीं तो खून पी जाऊंगा मैं। नाम बदला है, साले हम तो गाय को चुनते हो।
सुम्मा नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ, मेरे हाथ में पिस्तौल है, जहां खड़े हो उधर के उधर खड़े रहो, एक दो। तेरा बाप मरा था ना, अब उसका बेटा मरेगा, क्या बात है, मैं संपे आया। पागल बोलती बंद हैंड जम्प सब। कैसे कैसे मेरी बेटी कहाँ है बता? खुदकुशी कर ली है उसने, सूखे कुएं में कूद के जान दे दी है बेचारी ने। मजाक करता है, मजाक करता साले, इस बंदूक के अंदर जितने गोलियां है ना सब असली है, देखना चाहता है, देखना चाहता है, ये दे। सबको हिला के रख दूंगा मैं, हाथ ऊपर करो नहीं तो जिंदगी भर के लिए ऊपर पहुंचा दूंगा। ए हीरो, तुझे गोली क्या मोबाइल से भेजूं क्या? हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। अजी सुनिए, और कितना दौड़ा अरे माचिस सोते हो? अरे अंजलि किधर है भाई? अरे जल्दी से जाओ करो, जल्दी आप करो।